बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने इनकोडिंग ऑफ डाटा के टॉपिक को कवर किया था, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि किस तरीके से आम जिंदगी में यूज होने वाला डाटा, ऑडियोज, वीडियोज, टेक्स्ट, नंबर्स, प्रमोशनल डाटा को कंप्यूटर की लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज के अंदर तब्दील किया जाता है, उसको तब्दील करने के लिए और एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इनकोडिंग स्कीम्स जैसे कि BCD, SE, Unicode वगैरह की डिटेल्स देखिए। डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, यानी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए जिन चीजों को मद्देनजर रखा जाता है उनकी डिटेल्स देखेंगे। तो उनमें सबसे पहली चीज है सिग्नल। तो डियर फ्रेंड्स, सिग्नल क्या है, आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। डियर फ्रेंड्स, सिग्नल क्या है, आम जिंदगी में हम कोई भी डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को भेजते हैं तो क्या उन कंप्यूटर के दरमियान कोई तार मौजूद होता है? नहीं। अगर हम इन दोनों लोगों को देखें जो कि आपस में तस्वीरों का तबादला कर रहे हैं तो और एक तस्वीर दूसरे के मोबाइल में बआसानी पहुंच भी गई, तो क्या इन दोनों के दरमियान कोई केबल थी, कोई वायर थी? तो दोस्तों, ऐसा नहीं था। तो किस तरीके से आम जिंदगी के अंदर डाटा एक जगह से दूसरी जगह बिना वायर्स के चला जाता है? तो इसका जवाब है कि डेटा सिग्नल्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाता है। और सिग्नल क्या है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव्स रिप्रेजेंटिंग डेटा आर कॉल्ड सिग्नल्स। तो डियर फ्रेंड्स, सिग्नल क्या होती हैं, ये वेव्स होती हैं जिनमें आपका डेटा मौजूद होता है, और वो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो सकती हैं और लाइट वेव्स हो सकती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जो कि बहुत फास्ट स्पीड की होती हैं, जिनकी वजह से इंसानी आंख उन्हें देख नहीं सकती, इसीलिए आम तौर पर आप अपने डेटा को देख भी नहीं सकते और आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह चला भी जाता है। इसीलिए जब हम किसी भी डेटा को सिग्नल्स के जरिए यानी इन वेव्स के जरिए एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो वो बहुत तेजी के साथ ट्रांसफर होता है। यानी आपने देखा होगा कि इधर आपने कोई मैसेज किया और सेकंड्स में वो मैसेज पहुंच भी गया। तो दरअसल तमाम कम्युनिकेशन इन्हीं सिग्नल्स के जरिए ही होती है, और जब उनकी स्पीड, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज होती है। दोस्तों, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए दो तरह के सिग्नल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। आइए इनको बारी बारी डिटेल में देखते हैं। एनालॉग सिग्नल ऐसे सिग्नल होते हैं जिनमें किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान अनलिमिटेड पॉइंट्स को कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी बेहतरीन मिसाल है एनालॉग वॉचेस। दोस्तों, ये घड़ी की दो सुइयां हैं और इन दो सुइयों के दरमियान बहुत से पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन ये तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको नजर आ रहे हैं, इसके अलावा भी इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मौजूद होंगे। अगर इस घड़ी के एक सेकंड का ही जायजा लें तो उस एक सेकंड के अंदर ही 0.0 सेकंड, 0.01, 0.02, 0.03, 0.100, 0.999, यानी अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, लामहदूद पॉइंट्स मौजूद होंगे, और उन लामहदूद पॉइंट्स से मिलकर ही आपका एक सेकंड बनेगा। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही एनालॉग सिग्नल्स में भी वेव पर मौजूद दो पॉइंट्स के दरमियान इनफाइनाइट पॉइंट्स मौजूद होते हैं। जैसे ये एक वेव है और इसके अंदर ये 0 और 1 के दरमियान इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मौजूद होंगे। जैसे ये 0 से स्टार्ट हुई है तो इसका अगला पॉइंट होगा 0.01, 0.02, और 0.02 के अंदर होगा 0.221, 223, 224, 229, यानी इसके अंदर यहां से यहां तक इतने पॉइंट्स मौजूद होंगे कि आप उनको कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। तो डियर फ्रेंड्स, एनालॉग सिग्नल्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनके अंदर कंटिन्यूअसली वेरिंग वेवफॉर्म्स होते हैं, यानी इनमें वेव्स पर मौजूद पॉइंट्स की वैल्यूज कंटिन्यूअसली यानी बार बार चेंज हो रही होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ वैल्यू थी, फिर अगली वैल्यू उससे चेंज होगी, अगली वैल्यू होगी 0.3, वो 0.2 से डिफरेंट होगी, फिर 0.4, तो वो 0.3 से डिफरेंट होगी, यानी हर वैल्यू हर पॉइंट के ऊपर अलग होगी। दैट्स व्हाई वी कैन से कि एनालॉग सिग्नल्स आर कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ वेव। इसीलिए एनालॉग सिग्नल्स को कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें वैल्यूज बार बार कंटिन्यूअसली चेंज हो रही होती हैं। दोस्तों, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कैरियर वेव, क्योंकि ये डेटा को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है
कैरी करती है, इसीलिए इसको कैरियर वेव भी कहा जाता है। एनालॉग सिग्नल्स के दो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी क्या है? डियर फ्रेंड्स, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव रिपीट्स इटसेल्फ ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव रिपीट्स इन अ सेकंड, यानी एक मखसूस टाइम में या फिर एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स आपके सिग्नल में जनरेट होंगी, ये कहलाती है फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल, ये एक वेव है, यहां से यहां तक ये एक वेव है। अब अगर एक सेकंड में ऐसी तीन वेव्स जनरेट होती हैं, 1, 2, 3, तो आपके सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होगी 3 हर्ट्ज, क्योंकि एक सेकंड में ये वेव तीन बार रिपीट हुई, तो ये कहलाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी। और डियर फ्रेंड्स, एक सिग्नल में जितनी नंबर ऑफ वेव्स, यानी इस तरह की ये साइकिल्स, जितनी नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा होंगी किसी स्पेसिफिक टाइम में, उतनी ही उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, और उतना ही ज्यादा डाटा वो एक सेकंड में एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकती है। दोस्तों, आप इन दोनों वेव्स को देख सकते हैं, इनका टाइम पीरियड लगभग सेम है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इनके अंदर नंबर ऑफ वेव्स की तादाद डिफरेंट है। इसके अंदर एक सेकंड में इतनी वेव्स जनरेट हो रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जबकि इसके अंदर सिर्फ 3 वेव्स जनरेट हो रही हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव है और ये लो फ्रीक्वेंसी वेव है, क्योंकि इसके अंदर एक सेकंड में कम वेव्स जनरेट हो रही हैं। और जितनी ज्यादा वेव्स आपके सिग्नल में जनरेट होंगी, उतना ही ज्यादा डाटा आपका सिग्नल कैरी करके लेकर जा सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है वो है हर्ट्ज। एनालॉग सिग्नल में वेव्स दो तरह की हो सकती हैं, पीरियोडिक सिग्नल्स या फिर पीरियोडिक वेव, और वो कुछ इस तरह की दिखती हैं। ये ऐसी वेव्स होती हैं जो एक फिक्स टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करती हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एक वेव है और यहाँ पर एक सेकंड के बाद इसने बिल्कुल ऐसी ही वेव, यानी बिल्कुल अपने आप को रिपीट किया है, बिल्कुल एक जैसी अगली वेव भी बिल्कुल इसी की तरह है, और ऐसे इस सिग्नल के अंदर भी इसने भी। और अगर आप इस सिग्नल के अंदर देखें तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेकंड में ये वेव जनरेट हुई है, अब जो अगला सेकंड शुरू हो रहा है उसके अंदर जो वेव बन गई है वो भी बिल्कुल इसी तरह की है। तो ये ऐसा सिग्नल जिसके अंदर फिक्स इंटरवल के बाद आपकी वेव अपने आप को रिपीट करेगी, तो ऐसा सिग्नल कहलाता है पीरियोडिक सिग्नल। इसके बाद जो अगली टाइप है वो है नॉन पीरियोडिक सिग्नल। नॉन पीरियोडिक सिग्नल के अंदर वेव्स एक फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट नहीं करती, यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वेव कुछ अलग है और इस तरह की वेव आपको आगे नहीं नजर आएगी, यानी इसके अंदर वेव्स अपने आप को रिपीट नहीं करती। तो डियर फ्रेंड्स, एनालॉग सिग्नल का जो अगला करैक्टरिस्टिक्स है वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? इट इज द हाइट ऑफ वेव विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, या फिर दूसरी बुक्स के अंदर इसकी डेफिनेशन ये भी है कि इट इज अ हाइट ऑफ वेव ऑफ वन साइड ऑफ इक्विलिब्रियम पोजिशन। तो दोस्तों, ये एक वेव है और ये है इस इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर इसका पॉइंट या फिर एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब यहां से लेकर, यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगी हाइट ऑफ द वेव, और ये हाइट ही दरअसल होती है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, यानी जितनी ज्यादा आपकी वेव की हाइट होगी उतना ही ज्यादा उसका एम्पलीट्यूड भी होगा। दोस्तों, आम तौर पर कभी आपने अपनी वॉइस रिकॉर्ड की हो तो आपने देखा होगा कि जब आप तेज आवाज में कुछ कहते हैं तो आपकी वॉइस से जो वेव शो हो रही होती है उसकी हाइट बढ़ जाती है, और जब आपकी आवाज स्लो होती है तो वेव की हाइट भी कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस वेव को देखें जो कि एक साउंड वेव है, तो यहाँ पर आपकी आवाज जरूर लाउड हुई होगी जब इसकी वेव की हाइट भी ज्यादा हुई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेव की हाइट कम है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी आवाज भी इस वक्त स्लो होगी। तो दोस्तों, एम्पलीट्यूड को आपकी वॉइस की स्ट्रेंथ भी कहा जाता है। जितनी आवाज तेज, एम्पलीट्यूड भी हाई होगा, और जितनी आपकी आवाज स्लो होगी इसकी हाइट भी कम होगी, तो मींस इसका एम्पलीट्यूड भी कम होगा। और एम्पलीट्यूड को जिस यूनिट से मेजर किया जाता है वो है वोल्ट्स। दोस्तों, नेक्स्ट सिग्नल के टाइप पर जाने से पहले उसकी नीड को देखते हैं, क्योंकि जब हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स मौजूद थे तो हमें किसी और सिग्नल की जरूरत क्यों पेश आई। डियर फ्रेंड्स, जब से दुनिया बनी है
तब से सिग्नल की सिर्फ एक ही टाइप थी, एनालॉग सिग्नल, क्योंकि दुनिया में मौजूद कोई भी आवाज आप सुनते हैं तो वो दरअसल एनालॉग सिग्नल पर ही मुश्तमिल होती है। और एनालॉग सिग्नल हम जानते हैं कि लामहदूद पॉइंट्स पर मुश्तमिल होती है। अब फॉर एग्जांपल कोई सिंगिंग का कॉम्पिटिशन है और आपने अपनी आवाज को उनको भेजना है, तो अगर आप अपनी आवाज को उनको सेंड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? जाहिर है आप कंप्यूटर या फिर मोबाइल में पहले अपनी आवाज को रिकॉर्ड करेंगे और रिकॉर्ड करने के बाद ही उसको सेंड करेंगे। मगर डियर फ्रेंड्स, आपकी आवाज तो एनालॉग सिग्नल है जिसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स मौजूद हैं, लामहदूद पॉइंट्स मौजूद हैं, जबकि कंप्यूटर या फिर मोबाइल की मेमोरी तो महदूद होती है 4GB, 8GB और मैक्सिमम 16GB बस। तो कैसे एक लामहदूद चीज को एक महदूद जगह यानी आप अपने मोबाइल के अंदर सेव कर सकते हैं? तो डियर फ्रेंड्स, इसीलिए जरूरत पड़ी दूसरी सिग्नल की टाइप की, जो था डिजिटल सिग्नल। ये सिग्नल की ऐसी टाइप थी जिसके जरिए हम अपनी लामहदूद सिग्नल यानी अपनी एनालॉग सिग्नल पर मबनी आवाज को भी डिजिटल सिग्नल के अंदर तब्दील करके कंप्यूटर के अंदर सिंक करा सकते थे। दोस्तों, ये एनालॉग सिग्नल से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। एनालॉग सिग्नल में अनलिमिटेड वैल्यूज होती है, अनलिमिटेड पॉइंट होते हैं, जबकि इसमें सिर्फ दो वैल्यूज होती है, 1 और 0। तो दोस्तों, डिजिटल सिग्नल क्या है? डिजिटल सिग्नल यूजेस ऑन एंड ऑफ और प्रेजेंट एंड एब्सेंट इलेक्ट्रिकल पल्सेस इन डिस्क्रीट रादर देन कंटीन्यूअस फॉर्म, यानी इसके अंदर कंटीन्यूअसली वैल्यूज चेंज नहीं हो रही होती बल्कि डिस्क्रीट वैल्यूज होती है जो कि सिर्फ दो होती है, 1 और 0। यानी ये एक ऐसा सिग्नल होता है जो कि इलेक्ट्रिक पल्सेस पर मुश्तमिल होता है और उस इलेक्ट्रिक पल्स की कोई दो स्टेट्स हो सकती हैं, वो 1 हो सकती है या फिर 0 हो सकती है, ऑन हो सकती है या फिर ऑफ हो सकती है, और प्रेजेंट हो सकती है या फिर एब्सेंट हो सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक डिजिटल सिग्नल है, तो इस डिजिटल सिग्नल के अंदर ये पॉइंट जो होगा ये कहलाएगा 1 और ये जो ग्राउंड की तरफ पॉइंट होता है ये कहलाता है 0, या फिर इस पॉइंट को ऑन कहते हैं और इस पॉइंट को कहते हैं ऑफ, और इस पॉइंट को ये भी कह सकते हैं कि इस वक्त आपका सिग्नल मौजूद है, प्रेजेंट है, और इस वक्त आपका सिग्नल एब्सेंट है, प्रेजेंट मौजूद नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, कंप्यूटर और कंप्यूटर जैसी और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अंदर तमाम डेटा डिजिटल सिग्नल्स के जरिए ही मूव करवाया जाता है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर भी तो 1 और 0s को ही समझता है। तो इसीलिए अगर हमें एक कंप्यूटर से या फिर एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के अंदर डेटा को भेजना है तो वो डेटा भी तो 1 और 0s की शक्ल में होना चाहिए। तो इसीलिए बनाया गया डिजिटल सिग्नल ताकि कंप्यूटराइज डेटा भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाया जा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई कैसे किसी भी नंबर को, किसी भी करेक्टर को इन डिजिटल सिग्नल के जरिए, इन इलेक्ट्रिक पल्सेस के जरिए आप एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने इनकोडिंग ऑफ डेटा देखा था, इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर कोई भी करेक्टर, नंबर, ऑडियोज और वीडियोज 1 और 0s पर मुश्तमिल कोड पर मबनी होती है। अगर हम कंप्यूटर में सी देखें तो सी का कोड क्या होगा, 010। तो अगर आप कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं तो वो इस तरह के इलेक्ट्रिक पल्सेस में जाएगा। ये 010 रिप्रेजेंट करेगा सी को, फिर ये 010 रिप्रेजेंट करेगा डी को, और इस तरीके से आपके टेक्स्ट, नंबर्स, वीडियोस वगैरह इस तरह की इलेक्ट्रिकल वेव्स, इस तरह के डिजिटल वेव्स के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर की जाती है। और इस तरीके से कंप्यूटर के अंदर डिजिटल सिग्नल्स के जरिए तमाम डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। और दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आपकी आवाज किस तरीके से कंप्यूटर के अंदर जाती है? तो डियर फ्रेंड्स, आपकी आवाज तो एनालॉग सिग्नल है, तो उस आवाज को कन्वर्ट किया जाता है इस ADC कन्वर्टर के जरिए डिजिटल सिग्नल के अंदर, और तभी आपका कंप्यूटर उस आवाज को प्रोसेस करता है। तो इन तमाम जगहों पर डिजिटल सिग्नल्स का इस्तेमाल किया जाता है। और अब जब हमारी दुनिया डिजिटाइज बनती जा रही है, तमाम चीजें डिजिटल आ गई हैं, आपका लैपटॉप, मोबाइल, वॉचेस, तो इसीलिए अब तमाम एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये था सिग्नल, उसकी टाइप्स, और उसकी टाइप्स के अंदर हमने देखा कि एनालॉग सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। अगले लेक्चर के अंदर हम ट्रांसमिशन मोड्स को डिटेल में देखेंगे।